करके ये देखे अभी जो है फूल देखे सारे मैंने एक जगह पर यहाँ पर देखे हैं रख दिए हैं। और अम्मी जान ने गंजा करो गंजा करो अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक एक न्यू व्लॉग, मजेदार व्लॉग शुरू होने वाला है। रहने वाले साथ वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है और आज की मजेदार वीडियो करते हैं शुरू बिना टाइम वेस्ट किए। मौसम दे देखें कुछ इस तरह का है और बेगम साहबा कुछ इस तरह की है और दुआ बीबी को सुबह सुबह कुछ इस तरह उठाया हुआ है। बाहर सर्दी नहीं लगेगी सुबह सुबह आगे क्या वलेटे हुए हैं बिस्तरे पहले जैसे बोला वैसे बोलो दूसरे ये आप बिस्तरों को दूसरा कहती हो और मजे की बात ये है मरियम क्या हाल है ठीक हो आज आज जो है ना बहन भाइयों को सलाम तो करो। अस्सलाम वालेकुम वाह जी वाह आगे आगे हमारी दुआ हमेशा आप सबके साथ हैं ऐसे नहीं कहते भूल जाती है। और अम्मी जान देखें इधर खड़ी है और मज़े की बात मैं जो बताने जा रहा था वो ये है कि कल सुबह से इस टाइम से हमने मशीन लगाई थी और लाइट की वजह से ये देखें अभी तक भी चल रही है। रात को तो हमने खैर बंद की थी, कपड़े मुकम्मल नहीं धुले थे तो रख दी थी बंद करके, अभी फिर से डाली है क्योंकि इसमें जो है ना एक प्रॉब्लम आ गई थी। पहले मैंने दिखाया होगा स्लो स्लो चलती थी, अब देखें काफ़ी अच्छी चल रही है क्योंकि जो इसका बेल्ट था ना है ऐसा है जो इसका बेल्ट था ना वो गया था टूट, तो जो हमारी पहले वाली मशीन थी उसका बेल्ट पड़ा था तो मैंने उसके इसके अंदर वही सेट कर दिया। थोड़ा सा बड़ा था लेकिन मैंने नया लाइन जो है वो नीचे करके सेट कर दिया। आप देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, पहले दो तीन सूट डालो तो बिल्कुल स्लो चलती थी रुक जाती थी, अभी जो है बेल्ट सेट कर दिया है अभी तीन चार सूट डालो पांच सूट डालो उठा लेती है। अभी देखें कैसे चल रही है बेगम साहब, अच्छी चल रही है ना। हाँ अभी इसमें चार पांच छह सूट डाल दिया करो उठा लेगी अच्छी खासी, नहीं तो चार पांच सूट हाँ क्योंकि ऐसे तो आप सुबह से शुरू होती हैं और शाम हो जाती है, देखिए कपड़े ना सूखते हैं ना कुछ लगे रहते हैं क्योंकि एक एक दो दो सूट तीन तीन करके डालोगे तो एक बार वो काफ़ी टाइम। फिर लाइट का आपको पता है हमारे यहाँ लाइट तो टिकती नहीं है, आ रही है जा रही है। जो मगरिब के बाद लाइट आई थी उस दिन एक सूट कपड़े का डाला था मशीन। हाँ जी मगरिब के बाद मैंने उसकी धुलाई करती तो फिर मुझे सर्दी लग गई। हाँ जी तो ये जो है ना प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि जैसे जैसे आजकल सर्दियां हैं ना तो अभी आज देखें मौसम साफ़ है, धुंध वगैरह नहीं है तो इस वजह से जो है ना लाइट हमारे यहाँ खड़ी है। अगर जैसे धुंध शुरू होगी तो रात को जैसे धुंध पड़ना स्मोक शुरू होगा ना तो लाइट जाएगी, जब तक स्मोक नहीं उतरेगी सूरज नहीं निकलेगा तब तक लाइट नहीं आएगी, हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम चलता है। बाकी अल्लाह पाक बेहतर करे, इसमें भी एक फ़ायदा है क्योंकि जब स्मोक ज़्यादा हो जाती है ना तो ये ट्रैफिक का नुकसान होता है, देखते नहीं है से रोड के पास तो खंभे होते हैं तो फिर जो है ना एक्सीडेंट होते हैं, अल्लाह पाक बचाए उनसे। और लाइट का इसलिए लाइट बंद कर देते हैं कि कहीं पर भी अगर कोई नुकसान हो तो लाइट की वजह से मज़ीद नुकसान ना हो, ऐसा है ना। तो हम तो यही दुआ करते हैं अक्सर कि अल्लाह पाक जो है ना अपना रहम और करम बनाए रखे। हाँ जी इंशाल्लाह करते हैं। हाँ जी जो हमारे पास जरी इतिहास की बिजली है ना इसके जराना जितो जितो भी लाइन बिजली की चलती है नाल नाल दरख्त है, दरख्त हैं और रोडे हैं। हाँ जी तो इस वजह से चलो खैर अबू ने देखें भेड़े बकरियां निकाली हुई हैं बाहर, देखें अभी उनका ख्याल कर रहे हैं। बेगम साहबा क्या देख रही हो? देख रही हूँ धनिया भी उग रहा है। कहाँ से आपको नजर आया है धनिया उग रहा? किधर है? इधर इधर इसी नुक्कर पे वो वाला। हाँ जी अच्छा देखें आज बहन भाइयों को जो है ना पीछे हो जाओ लहसुन और धनिया दिखाते हैं, मेथा और लहसुन दिखाते हैं कितना बड़ा बड़ा हो गया है। अब देखें जी माशाल्लाह सब्जियां कैसे उग रही हैं, ये देखें अभी मेथरे के जो है ना पत्ते भी निकल आए हैं माशाल्लाह से और लहसुन के भी ये देखें बड़े बड़े लहसुन हो गए हैं।
अभी इनको काटना शुरू करें, बड़े बड़े तो हो गए हैं। थोड़ी बहुत बड़े बड़े होंगे, बहुत बड़े बड़े होंगे, कोठे से बड़े हो जाएंगे क्या? नहीं, फिर आप जो कह रहे आप जो कह रही हो बड़े बड़े होंगे, नहीं फिर भी इससे बड़े बड़े होंगे। अच्छा ये देखें जी, अभी माशाल्लाह कुछ इसमें भी सब्जा नजर आ रहा है, और जो धनिया भीजा हुआ है ना वो ये वाला है नुकरों पर, ये भी अभी थोड़ा थोड़ा, ये क्योंकि थोड़ा लेट उगता है ना तो ये भी हो जाएगा दो चार दिन में इंशाल्लाह। लहसुन तो काफी स्पीड से हो रहा है माशाल्लाह, ये देखें, और ये मेथरा भी, मेथरा जब उगेगा फिर देखना बहन भाइयों को दिखाएंगे। और फिलहाल जो है ना टाइम काफी ज्यादा हो रहा है, मेरी दूसरी जर्सी जो है वो धुलाई करके खड़ी कर दी है, और क्या करूं, चाय पकाऊं, केरी चाय पकाऊं, देसी घी वाली चाय, देसी घी वाली चाय, ये देसी घी वाली चाय कैसे पकती है? पता नहीं कैसे पकती है, देसी घी वाली चाय कैसे पकती है? ऐसे देसी घी वाली चाय नहीं पकती है, वो ऐसे पकती है, दूध दूध पति चाय, दूध पति, हाँ जी हाँ, खीर वाली चाय, हाँ जी हाँ जी, बहुत बड़ी चाय। और हफ्सा भी देख के हंस रही है, कहाँ गई थी, पढ़ाई हो माशाल्लाह, मस्जिद पढ़ाए हो आप, पढ़ाए हो वैसे मस्जिद, चलो सही है, आप भी पढ़ाए हो, सामान इकट्ठा नहीं किया आपने, ये दूध ले आए हो, चीनी पत्ती ले आओ, और एक खटड़ी ले आओ इधर बैठने के लिए, चलो शाबाश जल्दी जल्दी करो, कैसे उसको उठाया हुआ है, इधर बैठ जाओ, अभी आग जलाते हैं, बैठ जाओ इधर, फिर आग जलाते हैं और बनाते हैं चाय, सालन भी गरम करेंगे, नाश्ता करोगे नाश्ता? हाँ जी, वो देखो आज माशाल्लाह सूरज जबरदस्त निकल रहा है, आज दाल पकाया था, हाँ जी आज दाल पकाया है, क्या दाल पकाया था, क्या पकाया था, क्या बोलता है, बोलता है दाल दमामा पकाया था, क्या पकाया था, क्या दाल दमामा पकाया था, हाँ जी हाँ दाल दमामा, इनको ये पता नहीं कहाँ से याद आ गया है जी, ये कहते हैं दाल को दाल दमामा पकाया था, इनके वक्रे नाम है ना, आपके वक्रे नाम है, हाँ जी हमारे कहते हैं वक्रे नाम है, हम साहिबा को आ रहा है धूं धूं खा रहा है, क्या पा रही हूँ, पानी पा रही हूँ, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, भाजी, दाल दाल लिंबी बैठे हो, सारी लिंबी बैठे हो, नाश्ता कर रहे हैं जी दाल के साथ, नाश्ता हमारा हो रहा है, ये देखें आसन भाई आ चुके हैं, दाल दमामे के साथ नाश्ता करने, दादी बेटी आई बैठिए, सर्दी दादी को लगी बैठिए, दादी प्याली चाहिए बैठी है, चाह दी प्याली भर दो, चाय पी रही हो, तैयारी हो गई है, हाँ जी चलो शाबाश, चाह दो तो पारा दी बैठी, चाय वो खड़ी है देगड़ी, छुहार गए दुकान पर, अभी आने वाले हैं, दुआ भी सो रही है, बेगम सब बैठी है, आज यही वस्तेज की थी, आलू भी नहीं पके थे, हम भी बैठते हैं करते हैं नाश्ता, करते हैं नाश्ता, इधर बैठेंगे करेंगे नाश्ता, हम जो है
हम जो है सब बैठ के करेंगे नाश्ता, क्योंकि ये देखें यहाँ पर जो है ना हमारे किचन बहुत अच्छा है, धूप आती है, ये देखें अभी आ रही है ना धूप। मुझे ठंड लग रही है। आपको तो ठंड लगी रहती है, आप क्या करें, हमें देखें कैसे धूप लग रही है, माशाल्लाह जबरदस्त माहौल लग रहा है। अभी अच्छी लग रही है गर्मियों में, इधर नहीं उधर बैठे होते हैं। फिर गर्मियों में उधर छाओं में बैठे होते हैं, अभी धूप में बैठे हैं। ये वाले जो दरख्त है ना, ये सामने आप देख रहे हैं, यहाँ से ये कट जाए ना ये यहाँ तक, फिर बिल्कुल साफ धूप आएगी, है ना। अभी इनको कहते हैं यार पहले ये वाले काटो, हमारे चूल्हे हमारे किचन में धूप नहीं आती। ये उनके है ना, वो नहीं है जबे होने। हाँ उनके हैं, अभी तो वो काट रहा है ना उसका भाई इसहाक खान। नहीं वो नहीं काटेगा ये वाले, वो काट रहा था यार यहाँ से देखो कुछ काटे हुए नहीं है। लड़ा तो खाली कर दिया। हाँ इसहाक डार साहब काट रहे हैं। नहीं ये और लाज रहा है, ये मारेगा दूसरा नहीं मारेगा, दूसरा नहीं मारेगा। तैयारी हो गई है जी। आज आपको दादी खर्ची दे रही है क्या? नहीं। दादी पैसे वंडे नहीं बैठी क्या? वंडे नहीं बैठी, मैं कुडे डार पे मैं करीम बीबी क्या करूं? उठा भी ला दियो। क्या करूं? काम करूं? क्या काम करूं? काम करूं? वो क्या काम करूं? ए शाहदेव अवेश को गंजा करो, शाहदेव को गंजा करो। हाँ गंजा करो, गंजा करो, गंजा करो, गंजा करो, अवेश को गंजा करो, शाहदेव को गंजा करो। हाँ जी वो देखो सुबह सुबह जो है ना उठा रहे चाव ले। सुबह सुबह आसन भाई को रोज कहते थे, आज जो है ना सुबह सुबह आ गए हैं दुआ बीबी को गंजा करने। डिजाइन शिजाइन नहीं बनाना है क्या करो? क्या नाम है? केकू के को गंजा करूं? ए दूहे को गंजा करूं? तू गंजी थी से निक्की बाली को? वो रो रही है, दुआ बीबी को गंजा कर रहे। वेलकम बैक जी, अभी हमारे बेडरूम की हो रही है सफाई, मतलब क्लीनिंग। बेडरूम क्लीन हो रहा है। अच्छा सही है, जल्दी जल्दी क्लीन करें। ये देखें जी कल जो है ना हमने लिया है फ्रूटरियाँ, ये देखें फ्रूटरियों के शापर भरे हुए हैं, लेकिन है छोटी छोटी फ्रूटरियाँ। ये दे रहा था 200 रुपए के 5 किलो। मैंने भाई साहब को कहा खैर अच्छे होंगे ले आओ, वो लेके आया ये फरूटरियाँ निकली निकली सी है। हाँ छोटी छोटी। ये देखें अभी दिखाता हूँ मैं, ये इतनी इतनी सी है फरूटरी, इतनी सी। चलो खैर जैसी भी है, अब तो आ गई है, अभी ने खाते हैं और फिर जो अच्छा दो छापर थे ये, इसमें से भी कुछ उठाए पड़े, चौन चौन के खा गए हो गए हर कोई। चलो ले आओ बाहर, इसको खाते हैं, दादी आई हुई है उसको खिलाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं, फिर जो है ना कुछ काम करना है वो करते हैं। सही है शेबू? ये खाओ ये शेबू। ये क्या है ना, ये क्या है ना? आख फरूटर तू ए ले ले खाता है, चाहते रहा ले ले खाता है। ए क्या है न बीबी? ओ क्या है न, ओ क्या है न? अक फरूटर क्या क्या है न? टूटा
टूटा। चलो ले आओ बा। देखें जी जो बिस्तरे वहां पर पड़े थे मेहमानों के लिए निकाले थे वो वाला अल्हम्दुलिल्लाह डाल दिए हैं बक्से में अभी बड़ी संदूक में, क्योंकि वो ऐसे गंदे हो रहे थे। जब फिर से कोई मेहमान आएंगे इंशाल्लाह फिर से निकाल लेंगे, क्योंकि आज इस जो है ना बेडरूम की हमारे की सफाई हो रही है, सारे बर्तन शर्तन भी क्लीन करने हैं, ऊपर नीचे जाला वगैरह सब सफाई कर देनी है। सही है, बहन भाइयों के साथ आपने जो है ना शेयर करना है, क्योंकि अभी जो है मैं जो है जा रहा हूँ चक्की पर, क्योंकि टाइम जो है ना 11:12:20 बाकी है, 11 बजे मुझे जाना था, काफ़ी टाइम लग गया है। और आज जो है ना चावल आए पड़े थे 2 बोरे, तो वो बनाने हैं, चावल बनाने हैं। सही है, ओके हो गया। चला बर्तन जो है ये देखे सारे उतार लिए हैं, और अभी जो है इस पे लगाते हैं झाड़ू, सारा ऊपर नीचे झाड़ू लगा के मिट्टी वगैरह जो है वो सारी साफ करके फिर जो है इंशाल्लाह बर्तन रखेंगे। हाँ जी अम्मी बोलो। ये वो फूल चाहते नहीं, वो खेलने के लिए नहीं होते, वो ऊपर रखने के लिए होते हैं, ऐसे खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए अभी तो मिट्टी है इनके ऊपर, मिट्टी साफ। चला फूल देखे सारे मैंने एक जगह पर इकट्ठे करके रख दिए है, कितने खूबसूरत है। और अभी जो है मैं ये ऊपर वाला सारा झाड़ू लगा दिया है, और ये सफील पर भी लगा दिया है, और अभी जो है उधर पेटी और अलमारी को जो है ना साफ करते। यहाँ पर देखें रख दिए हैं, और अम्मी जान ने धोना स्टार्ट कर दिए हैं, और इधर देखें अम्मी जान धो के रख रही हैं। ये शीशे वाले कप और गिलास और कटोरियाँ वगैरह पहले शीशे वाले धो दिए, खाने में टूट जाते हैं ना इसलिए। अच्छा सही है, इसको धो के ऐसे 4 पानी में रख देती हूँ, फिर बाद देती हूँ। चलो सही हो गया। वाह बीबी जो है ये देखें वो सो रही है, नींद कर रही है, आज जो है ना उसको गंजा करवा दिया है, नहला के सुलाया है, अभी तक सो रही है। माशाल्लाह रूम जो है साफ कर लिया है सारा, ये देखें इधर भी सेटिंग कर दी और इधर बेटी की भी कर दी। हाँ सेटिंग कर ली है, और अभी जो है बर्तन रखते हैं, कपड़ा डाल के उन पे बर्तन रख के फिर काम मुकम्मल हो जाएगा, है ना अम्मी? हाँ जी हाँ जी, बर्तन धो लिए के साफ कर लिए, बाहर धूप में रख दिए। हाँ जी, और उसका और पानी जरा ना वो सूख गया है, अभी उसको उठा के रखो, मिट्टी गिरा रही हो तले। बीबी मिट्टी नहीं गिराओ, अभी झाड़ू लगाया है सारा। हाँ जी, वो जरा ना कपड़ा सफेद में डालो, बर्तन रखे और जो दुआ बीबी उसने। हाँ जी, उसने दूध भी नहीं पिया था, उसको नहलाया था तो वैसे ही सो गई। हाँ जी हाँ जी, चले सही। हाँ जी, ये काम जल्दी जल्दी निपटाए और कोई बेकाम ही आए। हाँ जी, फिर वो भी निपटाएंगे। हाँ जी, दिन इतनी छोटे हैं तो काम जो भी करो ऐसे काम पूरा दिन ले ही लग जाता है एक काम पे। जी, बर्तन रखने हैं रख के फिर वाला कोई ब्याह और काम करे। अभी जरा ना सर्दी के जो दिहाड़े आते हैं ना, बंदे गुजारी खुद फुर्सत भी नहीं मिलती, ये काम मुकाओ ब्याह शुरू करो, ब्याह मुकाओ ब्याह शुरू करो, इस तरह खुद बड़े औखे हालात हो जाते हैं। हाँ जी चले सही है, अभी बर्तन रखते हैं, और ये फूल जो है मैंने साफ करके ये भी रख लिए हैं, फिर इनको भी रखेंगे। हाँ जी, दोपहर की अजाने भी हो रही है। हाँ जी, अजाने भी हो रही हैं। हमारे ये काम से फारे कोने में यदि शाम के खाने का टाइम भी हो जाए। चला बर्तन भी हमने रख दिए हैं सेट करके, ये देखें अभी जो है माशाल्लाह कमरा अच्छा लग रहा है, मिट्टी धूल वगैरह नहीं है, है ना अम्मी जान? हाँ जी, कमरा तो अच्छा लग रहा है, पर मैं तो थक गई हूँ। हाँ जी, एक आधा दिन कोई काम आ जाए तो थक तो जाते हैं ना। हाँ जी हाँ जी, अभी तो आ जाए एक कमरे की सेटिंग की है ना, दूसरा तो लाते है। हाँ जी, दूसरा भी इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे, कल उसको बनाएंगे। हाँ जी हाँ जी, अच्छा वाला ही। चलो अच्छा है कि
काम पूरा होता गया है ना। हाँ जी माशाल्लाह हो गया है। और बहन भाइयों ने बताना है कि हमने ये कैसा सजाया है, कैसा लग रहा है। हमें तो माशाल्लाह हमने मेहनत की है, हमें तो अच्छा लग रहा है। हाँ जी, जरा जरा इंसान मेहनत कर रहा हो तो उसको तो बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ जी हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी बहन भाई ने जरा था उन्हें बताना है तो कैसा लग रहा है। हाँ जी हमारा दिल खुश करते हैं या हमारा दिल तोड़ते हैं। हाँ जी माशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जैसे हमें अच्छा लगा है वैसे बहन भाइयों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, तो कमेंट्स में जरूर बताना है कि कैसा लग रहा है। हाँ जी हाँ जी माशाल्लाह बहुत प्यारा है।